तो ये आप देख सकते हैं, मैंने गाजर लिया है और टमाटो लिया है, मटर है और अनियन है, और ये पनीर जो है, ये पनीर मैंने खुद बनाया है, घर में बनाया है मैंने इस पनीर को खुद, और बहुत अच्छा है। साथ में मैंने मसाले में काली मिर्च, चाट मसाला, काला नमक लिया है, और काला नमक लेने के साथ ही मैंने हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा चीनी और सॉल्ट लिया है नॉर्मल वाला, क्योंकि जो टोमेटो, अगर कई बार आपके पास टोमेटो सॉस नहीं आता तो एक खट्टा मीठा का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है आपको, कि हाँ खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए, तो उसके लिए आप टोमेटो के साथ शुगर ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने वीवा का तंदूरी मेयोनेज लिया है, आप इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और टोमेटो इस तरह आप थोड़ा काट लीजिए अच्छे से, सारी जो सब्जी हैं उनको काट लीजिए। मैंने मटर को बॉईल नहीं किया है, मैं मटर को बनाऊंगी, मतलब ऐसे ही तवे पे जब मैं डालूंगी तो वो उसी तरीके से ही सही हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए मैंने ऑयल लिया है, आप ऑलिव ऑयल या सरसों ऑयल, कोई भी जो ऑयल आप कंफर्टेबल, मतलब होते हैं कि हाँ मेरे को ये पसंद है, जिसका भी टेस्ट पसंद हो वो आप ले सकते हैं ऑयल। और इसमें मैंने अनियन डाल दिया है, अनियन डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर, हल्का सा इसका कलर चेंज हो तब तक हम इसको पकाएंगे, मतलब हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे चलाएंगे तो ऑलमोस्ट इसके एक कलर में एक हल्का सा ब्राउन, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं कहेंगे आप, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन आ गया। तो हम टमाटो लेंगे और इसमें टमाटो ले लेंगे, देखिए मटर मैंने देख लीजिए आपको बिल्कुल भी बॉईल नहीं किया है, और टमाटो लेंगे हम। अब हमें इसके अंदर टमाटो ऐड करना है, तो ये देखिए मैं इसमें टमाटो डाल रही हूँ। मैं इसे तवे पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर चीज़ पे बनाने का इसको एक अलग ही स्वाद होता है, टेस्ट होता है। आपने देखा है बाहर बड़े बड़े तवे पे रोल बनाते हैं, वो कितना टेस्टी लगता है, तो हम उसी टेस्ट के लिए मतलब वैसे ही टेस्ट है, तो उसी टेस्ट के लिए हम इस पे तवे पे हम इसको बना रहे हैं। तो मैंने टमाटो डाल दिया है, लेकिन टमाटो को थोड़ा पकाने के लिए हम इसमें वाटर ऐड, टमाटो को हमने सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आ जाएगा, इसको पकने देंगे वाटर के साथ। तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी और वाटर ऐड करने के बाद इसको पकने दूँगी। टमाटो में थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा, मतलब अभी तो हमें और भी सब्जियां इसमें डालनी है और इसको पकाना है। अब जैसे मैं मटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि मटर भी अभी हमें पकाना है, तो उसके साथ और टमाटो जो है थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हमने मटर इसमें ऐड कर दिया है, और मटर डालने के बाद आप इसको अच्छे से चलाएँ, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं तो एक अपने लिए बना रही हूँ, मतलब इसमें इतना बन जाएगा कि चार लोग मतलब एक एक रोटी खा सकते हैं, इतना बन जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप किसी और चीज़ में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं। अब इसमें मैंने वाटर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमने जो मटर है उनको बॉयल तो किया नहीं है, तो इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस तो आना चाहिए ना मटर में भी, तो उसके लिए मैंने इसमें वाटर डाल दिया और इसको थोड़ी देर बॉयल होने देंगे हम, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट्स हम बॉयल होने देंगे। 5 मिनट्स जैसे ही बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें गाजर जो है, जो कि हम गाजर है वो ऐड कर देंगे इसमें। और गाजर तो आपको पता है वैसे थोड़ा सा पानी भी छोड़ता है गाजर, लेकिन अभी हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तवे पे जल्दी सोख लेगा गाजर जो है, जो पानी है वो जल्दी सोख लेगा क्योंकि हमारा फ्लेम भी थोड़ा हाई है, मतलब मीडियम हाई जो होता है, हाई से थोड़ा सा कम होगा। तो अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं मतलब कि कितना जो पानी था वो ऑलमोस्ट सूख गया है। और अगर आप चाहें इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लें, इसको और पकाना है आपने तो, क्योंकि मटर हमारे थोड़े से कम सॉफ्ट हो रहे हैं। मटर को ना चमचे से आप दबा भी सकते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो मटर को थोड़ा दबा भी सकते हैं, और बाकी आप ऐसे चलाइए इसको। अब बस इसमें रह गया है हमारा पनीर डालना है, जो कि पनीर हम डाल देंगे। देखिए मैंने पनीर ऐड कर दिया इसमें, आप चाहें तो इसमें वाटर और डाल सकते हैं इसको, अगर आपको और पकाना है तो। मेरे को नहीं पकाना था, मुझे इतना ही पकाना था, तो इसलिए मैंने अब इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया। मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी,
पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम ये जो अपना मसाला लिया था चाट मसाला, काली मिर्च है इसमें, और हमने चाट मसाला लिया था, काली मिर्च लिया था, और हमने उसको इसमें डाल दिया है। इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करिए। काला नमक भी ऐड किया था हमने, तो याद रखिएगा अगर नमक आप नॉर्मल वाला डाल रहे हैं तो थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है और काला नमक में भी नमक है। इसको चलाइए अच्छे से आप, और ये जो हमने मिर्च और ये जो हमने चीनी हल्दी सब रखा है ये सब भी इसमें साथ में डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स है और एक सीजनिंग है जो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। आपके पास जैसे पिज़्ज़ा डोमिनोज का आता है तो कई बार होता है ना हमारे पास घर में रेड चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो के पैकेट्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो अगर वो हैं तो वो यूज़ कर लीजिए, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल वैसे भी खा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं, जो ब्लैक सिरका होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर रेडी हो चुका है, अब इसको हल्का सा इस पर ऐसे ही रख के चाहे आप ठंडा कर लें, अगर नहीं करना है आप हटा लें। मैं इसी तवे पे ही बनाऊंगी रोटी के साथ इसको, तो मैं इसको निकाल के तवे करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। और ये जो तंदूरी वाला जो मेयोनीज लिया था वीबा का, वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऐड करा है। देखिए, मैंने तवे को तो अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जो मैंने सब जो बनाया था इसमें डालने के लिए वो ये रहा कटोरी में। ये रोटी है, मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको मतलब ऐसे मोड़ूं तो ये मोड़ जाए, मतलब कट इतना ही करना है इसमें, ज़्यादा ये नहीं कि आप बहुत बड़ा पूरा ही बीच में से रोटी को कट कर दो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। मैंने दो चपाती ली है, आप चाहें ब्रेड के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इस पर मैंने ये मेयोनीज लगाना है, जो है मेयोनीज को हम इस पर लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ मैंने इसको तवे पे ये देखिए डाल दिया है। तवे पे डालने के बाद अब हम जो अपना हमने बनाया था मिक्सचर वो हम इस पर डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैं इस पर इसको लगा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसको बीच में बिल्कुल सेंटर में डालिए, क्योंकि जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऑलरेडी जब हम इसको दबाएंगे थोड़ा पीछे खुद चला जाएगा। तो ये मैंने कर दिया है, और साथ में देखिए ये देसी घी है। अगर आप मक्खन चाहते हैं मक्खन डाल दीजिए, बिल्कुल हल्का सा ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि देसी घी तो अच्छा ही होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। तो देसी घी आप इस पर डालिए और इसको बस ऐसे करके आप इसको फोल्ड करना है। तो मैं इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। मैं इस साइड जो ये खाली साइड है इसमें भी यहाँ पे लगा रही हूँ इसको, और फिर मैं इस पर लगाने के बाद इसको फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको इस पर फोल्ड कर दिया है। एक्चुअली मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, मैं फ़ोन साइड में रख के आपको करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, अब मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि आप बाहर जाएंगे, हम बाहर से ऑर्डर भी करते हैं, अगर हम जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर करते हैं तो हमें यही सब चीज़ें कितनी महंगी देते हैं, मतलब 100 रुपये, इवन डिलीवरी चार्जेस पता नहीं क्या क्या हैं। और हम घर पे चाहें तो रोटी के साथ एक बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं। तो ये मैं देखिए कितना अच्छा बना है, मतलब खाने में भी टेस्टी और हेल्दी। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे लिए हेल्दी है ये, जो घर का बना होता है वो हमेशा हेल्दी होता है। हम अपनी दूसरी रोटी भी ऐसे ही बना लेंगे। तो हमने दूसरी रोटी को भी बना लिया। आफ्टर दैट मैं अब ब्रेड को बना रही हूँ, और ब्रेड को देखिए मैंने ब्रेड पे भी इसको ऐसे डाल दिया है इसको, और अच्छे से इस पर सारा लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने वीबा का सॉस पहले ही ब्रेड पे लगा दिया था और उसके ऊपर मैंने इसको डाला है इस पर, और अब मैं दूसरा वाला जो खाली ब्रेड है उसको भी इस पर ही ऐसे लगाऊंगी। ये देखिए, मैं वीबा का सॉस लगा रही हूँ और मेयोनीज लगा रही हूँ, और उसके बाद इसको लगाने के बाद अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। और मैंने इस तरह ब्रेड को ऊपर रख दिया, मैं इस पर देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी लगाने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा उस साइड से सेकने के बाद पलट भी दूँगी ताकि दोनों तरफ से सेक जाए।
गाइस तो अब ये दूसरी तरफ से जैसे सिका है तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। खाने में हेल्दी, घर में बनाया है, बिल्कुल अच्छा।